Welcome back, students. This is the sixth video session with respect to test of divisibility. इससे पहले पांच वीडियो में हम लोगों ने test of divisibility by 2 से लेकर test of divisibility by 14 तक को देखा और समझा. इस वीडियो में हम उसके तीन आगे और सीखेंगे. That is test of divisibility by 15, by 16 and by 17. So let us begin. 15. अगर आपको देखना है कि कोई नंबर 15 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं, then the very simple trick is, पहले तो आप ये देखिए कि 15 आया कैसे. 15 आया है 3 multiply by 5 करके. Yes or no? It means अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और remainder दे दे 0, वही नंबर 5 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर दे दे 0. इसका मतलब अब जब उस नंबर को आप 15 से डिवाइड करेंगे, उस टाइम पर भी वो रिमाइंडर 0 ही देगा. फॉर एन एग्जांपल 90. आप 90 को 3 से डिवाइड करिए, क्वोशेंट विल बी 30, रिमाइंडर विल बी 0. उसी 90 को आप 5 से डिवाइड करिए, क्वोशेंट विल बी 18 एंड रिमाइंडर विल बी 0. आपने 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, इन बोथ द डिवीजन केसेस रिमाइंडर क्या आया आपका 0. इट मींस कि अब ये 90 15 से भी डिवाइड होगा एंड इट विल गिव यू एन आंसर 6 विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर 0. क्लियर. अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना है. जब हमें 2 से डिवाइड करना था तब हम यूनिट्स प्लेस लेते थे. 2 का डबल होता है 4, तो अगर 4 से डिवाइड करना था तो हमने यूनिट्स और टेंस प्लेस को लिया. 4 का डबल होता है 8, तो जब 8 से डिवाइड करना था तो हमने यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस लिया. अब 8 का डबल क्या होता है क्लास? 16. तो अब आप लास्ट के 4 नंबर लेंगे. That is the numbers on the units, tens, hundreds and thousands place together. अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो सिर्फ units, 4 से डिवाइड करना है तो units और tens, 8 से डिवाइड करना है तो unit, tens और 100, और जब 16 से डिवाइड करना है तो units, tens, 100, 1000. लास्ट के 4 डिजिट एक साथ डिवाइड होने चाहिए 16 के साथ, विद रिस्पेक्ट टू योर रिमाइंडर बीइंग 0. अब है आपका 17. तो 17 भी आपका कुछ हद तक बाय 7 जैसा ही है. प्लीज पे अटेंशन. अब आप ध्यान से देखिए, 17 से अगर कोई नंबर डिवाइड करना हो तो सबसे पहला काम क्या है? यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है ना क्लास, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5. यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा और जो नंबर बच जाते हैं उसके साथ इसको माइनस कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है. सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 17 के टेबल में आना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल ऑन द बोर्ड 765. तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का जो नंबर है आप उसे सर्कल कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 5. The same thing I have done over here. Encircled 5 and written there multiply by 5. Followed by 76, नीचे आ जाएगा, minus sign and bracket में 5 multiply by 5 which will give me 25. When 76 is subtracted and 25 together, तो आपको answer क्या आएगा? 51. आपको सिर्फ एक question पूछना है, क्या 17 के टेबल में 51 आता है? तो आपको आंसर आएगा यस. 17 3s are 51. यस और नो? अगर सबट्रैक्ट करके आंसर 17 के टेबल में आ गया, इट मींस कि ये क्वेश्चन 765 भी 17 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर देगा आपको 0 एंड योर क्वेश्चन विल बी 45. अब देखते हैं एक बड़ा नंबर, दैट इज 4 डिजिट का नंबर. सेम प्रोसेस, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है आप उसको सर्कल कर लीजिए एंड सर्कल करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे.
जो नंबर बच गया ओवर ईयर रिमेनिंग इज 100, 100 ब्रॉड माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हिच इज 15. सो 100 माइनस 15 इज 85. क्या 17 के टेबल में 85 आता है? यस आता है. दैट इज 17 फाइव्स आर 85. अगर माइनस वाला आंसर 17 के टेबल में आ जाता है एंड गिव्स अस अ रिमाइंडर 0, इट मींस ये क्वेश्चन 1003 और 1003 17 से डिवाइड होगा एंड द क्वेश्चन विल बी 59. इन दिस वे इस वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15, बाय 16 एंड बाय 17 को समझा. अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो कंक्लूडिंग वीडियो होगा, द सेवेंथ पार्ट, जिसके अंदर हम बाय 18, बाय 19 एंड बाय 20 पे कंक्लूड करेंगे. टिल देन प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एट होम एंड प्लीज कीप अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग डेली.